हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललित सोनी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मिड सेशन नंबर 3 के अंदर, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस के बारे में जो आपको बोटनी के पेपर के अंदर गिवन है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 से। हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक इन विच प्लांट्स ग्रो इन। हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक है जिसमें पादप उगाए जाते हैं। तो देखो, हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, जो प्लांट वगैरह होते हैं उनको कहां पे हम लोग ग्रो करते हैं, एक अपने पास में जो सॉल्यूशन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, उसमें प्लांट को ग्रो करते हैं। प्लांट जनरली आप देखते हो नेचुरली सोइल में होता है, और प्लांट अगर सोइल में है तो प्लांट को सोइल से मतलब नहीं है, बल्कि प्लांट सोइल से जिन कंपोनेंट को लेता है वो सारे कंपोनेंट जो है हम यहां पर कहां डाल देंगे, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर जो प्लांट है हम उसे क्या करेंगे, ग्रो कर देंगे। तो आंसर यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। देन आफ्टर, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन कंपेरेटिवली लीस्ट क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पादप की वृद्धि के लिए कौन से तत्वों की सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आपको पता है प्लांट के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स हुआ करते हैं वो 17 होते हैं। उनमें से कुछ कैसे होते हैं, आप कह सकते हैं मैक्रो एलिमेंट होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं। तो आपको यहां पर माइक्रो एलिमेंट की ऑप्शन पूछा हुआ है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, ये तो मैक्रो होते हैं, माइक्रो यहां पर कौन सा हो गया, जिंक। नेक्स्ट 103, द अल्टीमेट गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज। प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। तो आपको पता है लाइट रिएक्शन जो हुआ करती है, उस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास में ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में सपोज ये यहां पर ग्रेना पार्ट है और ये यहां पर स्ट्रोमा पार्ट है, तो ग्रेना पार्ट के अंदर कौन आती है, लाइट आती है, फोटोन्स एच न्यू, और इस लाइट से फॉर्मेशन किसका होता है, एनर्जी का, और आप कह सकते हैं यहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो बताओ लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी है एंड ऑक्सीजन है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में भी हो सकती है एंड एनएडीपीएच2 के फॉर्म में भी हो सकती है। एटीपी एंड एनएडीपीएच2, बिल्कुल सही है, एनएडीपीएच2 ओनली, ओ2 ओनली, एटीपी ओनली। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सुगर इज। शर्करा के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। तो अपने को पता है कि सुगर का अगर फर्मेंटेशन होता है तो सुगर के फर्मेंटेशन के बाद में देखो, अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो तब तो CO2 रिलीज नहीं होती है, और अगर सुगर के फर्मेंटेशन से आप कह सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो एल्कोहल के साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो आप कह सकते हैं H2O एंड CO2, CO2 ओनली, एल्कोहल एंड CO2 या एल्कोहल, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पूछा गया है। तो बताओ एल्कोहल के साथ में यहां फॉर्मेशन किसका होगा, CO2 का, देन आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू। स्टोमेटा जो है वो खुला और बंद होता है, किस कारण से होता है। तो अपने को पता है कि जो स्टोमेटा के अंदर इस तरीके से कंडीशन देखते अपन, ये अपने पास जो गार्ड सेल हुआ करती है, इस गार्ड सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है इस पर डिपेंड करता है। अगर गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर हाई होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, अगर गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर कम होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो यहां पर है सर्कैडियन रिदम, जेनेटिक क्लॉक, प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द लीव्स, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, यस। तो बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, रक्षक कोशिका में स्पीति दाब होगा, बिकॉज अगर टर्गर प्रेशर हाई होगा तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन, अगर ट्रिगर प्रेशर लो होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट 106, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड टू हैव मिनिमम ट्रांसपिरेशन। निम्न में से किस पादप में न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। कैक्टस आपको पता है एक जीरोफाइटिक प्लांट है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो लीफ होती है वो कांटे में बदल जाती है ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाए। हाइड्रिला एक एक्वाटिक प्लांट है, इसमें तो ट्रांसपिरेशन नेग्लिजिबल, क्या यहां तो ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं है,
बच्चों ट्रांसपिरेशन जो होता है वो सिर्फ प्लांट के एरियल पार्ट में होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट जो एयर के कॉन्टेक्ट में होता है सिर्फ उसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। हाइड्रिला तो कंप्लीटली कहां पर होता है, एक्वाटिक, तो वहां पर ट्रांसपिरेशन नहीं होता। मैंगो एंड गुआवा ये आपके सामने नॉर्मल प्लांट होते हैं, तो याद रखना यहां पे ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एडेप्टेशंस किसमें है, कैक्टस में है। देन आंसर विल बी कैक्टस। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रूट हेयर, निम्न में से कौन सा मूल रोमो के द्वारा नहीं किया जाता। वॉटर अपटेक, बिल्कुल, रूट हेयर क्या करते हैं, वॉटर को अपटेक करते हैं। ऑक्सीजन अपटेक, बिल्कुल, रूट हेयर जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सोइल के बीच बीच में जो एयर होती है उसको अपटेक करते हैं। मिनरल अपटेक, बिल्कुल, CO2 अपटेक, नो, रूट हेयर जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं नॉट परफॉर्म्ड बाय, आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, निम्न में से कौन सा खनिज पोषण की कमी के कारण नहीं होता। नेक्रोसिस होता है, क्लोरोसिस होता है, इटियोलेशन नहीं होता, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड होता है। नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, जो लीफ है वो येलो हो जाती है ड्यू टू डेथ ऑफ मेसोफिल टिश्यू। यहां पे भी लीफ येलो हो जाती है ड्यू टू डेथ ऑफ ओनली क्लोरोप्लास्ट, और आप यहां पे कह सकते हैं कि जो इंटरनोड है वो काफी शॉर्ट हो जाते हैं ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। लेकिन जो इटियोलेशन होता है, याद रखना इटियोलेशन जो हुआ करता है ये मिनरल की डेफिशिएंसी से नहीं होता, बल्कि अपन क्या कह सकते हैं, जो इटियोलेशन होता है वो तो लाइट जो है उससे रिलेटेड होता है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं आ पाती तो लीफ जो है वो बच्चों ग्रीन नहीं हो पाती, येलो हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं इटियोलेशन। तो याद रखना ये जो यहां पर इटियोलेशन आप देख रहे हो, ये इटियोलेशन लाइट से रिलेटेड है न कि मिनरल से रिलेटेड है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। 109 इन पीएस फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमा एट, बच्चों पीएस फर्स्ट है तो मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब करेगा, 700 को, एंड पीएस सेकंड जो है वो बताओ मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर को। तो आंसर यहां पे कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रोथ इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच आर, वृद्धि मुख्य रूप से दो जलवायु कारक से प्रभावित होती है जो कि है, बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर मिल रहे हैं जो ग्रोथ को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको यहां पर वो फैक्टर सर्च करना है जो ग्रोथ को डायरेक्टली कह दो या आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो यहां पर है एक तो लाइट, एक टेम्परेचर बिल्कुल करता है, विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर और लाइट जो है ये आप कह सकते हैं ग्रोथ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि बच्चों लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही ऑक्सीजन जो है वो सेंसिटिव हो पाता है, ठीक है, तो लाइट तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, टेम्परेचर जो है बच्चों वो भी फेवरेबल होना चाहिए, अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाए तो एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। देन वी कैन से लाइट एंड टेम्परेचर आर प्राइमरी फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, विच अफेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट, 111 विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो कैक्टस के स्टेम में बिल्कुल होता है, बच्चों कैक्टस में जो लीफ है वो तो स्पाइन का फॉर्मेशन करती है और जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन करता है, स्टेम करता है। स्पंजी सेल ऑफ लीफ बिल्कुल करती है, मेसोफिल सेल बिल्कुल, बच्चों स्पंजी सेल किसका टाइप है, मेसोफिल का टाइप ही तो है। लीफ एपिडर्मिस, बच्चों आप यहां पर कह सकते हो लीफ की एपिडर्मिस के अंदर मेनली क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता। तो आंसर बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ, निम्न में से कौन सा तत्व पादपों की उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बच्चों कैल्शियम आप कह सकते हो एसेंशियल होता है, मैग्नीज एसेंशियल है, आयरन एसेंशियल है, लेकिन जो लेड है पीबी, ये बच्चों क्या होता है,
नॉन एसेंशियल है। याद करो हमने 17 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे, उनमें से बच्चों लेड नहीं आता है, CHO PNK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके पास में क्या होते हैं, मैक्रो एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, ठीक है, निकल, मोलिब्डेनम, ये सब के सब बच्चों क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं। तो 17 एसेंशियल एलिमेंट में लेड नहीं आता, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ के लिए नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता। 113, द हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है बच्चों, ऑक्सिन। याद करो फ्रांसिस डार्विन, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो डार्विन और डार्विन जो है बच्चों, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट के अंदर जो टिप पार्ट है वो बच्चों उस तरफ मूव हो जाता है जिस तरफ से क्या आती है, लाइट आती है, क्योंकि यहां पर जो टिप पार्ट है उसमें क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, और ऑक्सिन हार्मोन में लाइट के लिए क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट 114, विच मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर क्रॉप, फसलों के लिए महत्वपूर्ण क्रिटिकल तत्व कौन से होते हैं। तो बच्चों आप यहां पर कह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, यहां पर आप कह सकते हो फर्स्ट ऑप्शन है PNK, ये बच्चों ऐसे एलिमेंट हुआ करते हैं जो प्लांट को काफी ज्यादा चाहिए होते हैं, और जितने प्लांट को चाहिए होते हैं उसी रेशियो के अंदर ये सोइल में काफी कम मिलते हैं, तो अपन यहां पे कह सकते हैं कौन से हो गए, क्रिटिकल एलिमेंट हो गए। 115, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोरेस्पिरेशन, फोटोपीरियोडिज्म या फोटोजियोट्रोपिज्म। जैसे बच्चों फाइटोक्रोम जो होता है वो आप कह सकते हैं फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं कि प्लांट में जो लीफ हुआ करती है, ये लीफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब कौन करता है, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम का फंक्शन क्या होता है, फाइटोक्रोम बच्चों लीफ में होता है, और फाइटोक्रोम लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्लोरीजन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, और उस फ्लोरीजन हार्मोन से क्या होता है, फ्लावरिंग हो जाती है। तो फाइटोक्रोम कहां मिलता है, लीफ में मिलता है, और इसका फंक्शन क्या है, फोटोपीरियोडिज्म है, मतलब लाइट के एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को एब्जॉर्ब करके, एक फिक्स टाइम तक लाइट को एब्जॉर्ब करके ये फ्लोरिंग करता है, तो क्या हो गया, फोटोपीरियोडिज्म करता है। नेक्स्ट 116, जिब्रेलिन प्रमोट, जिब्रेलिन किसको प्रेरित करता है, सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, लीफ फॉल एंड रूट इलोंगिनेशन। देखो सीड का जो जर्मिनेशन है आप यहां पर कह सकते हैं इसको प्रमोट करता है, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो आपके सामने एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है न कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को प्रमोट एब्सिसिक एसिड करता है। लीफ फॉल, लीफ को गिराना, ये भी एब्सिसिक एसिड करता है। रूट इलोंगिनेशन करना, बच्चों आप यहां कह सकते हो कि जो जिब्रेलिन है वो स्टेम के अंदर क्या करता है, इलोंगिनेशन कराता है। तो बच्चों 116 में यहां पे आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, समझ गए। आगे देखो 117, NADP+ इज रिड्यूस्ड टू NADPH इन, बच्चों NADPH जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये प्रोसेस कहां होती है, पीएस फर्स्ट में, पीएस सेकंड में, केल्विन साइकिल में, या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बिल्कुल सही है बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता है, याद करो जेड स्कीम चलती है, और लास्ट के अंदर जो एनएडीपी है रिएक्शन किससे करता है, हाइड्रोजन से, और क्या बन जाता है, NADPH2 बन जाता है। तो आंसर यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। 118, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, बच्चों जो लीफ फॉल है हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड इथाइलिन। जैसे कंडीशन आप यहां पर देखें, किसकी मदद से पत्ती गिरने को रोका जा सकता है, तो अगर मान लो बच्चों आप यहां पर कह सकते हो एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है और इथाइलिन है, इन सब के अंदर से जो अपने पास में जिब्रेलिक एसिड हुआ करता है, कौन सा होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, वो बच्चों लीफ के गिरने को काफी ज्यादा कम कर देता है। हालांकि ऑक्सिन हार्मोन जो है बच्चों वो क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो ओल्ड लीफ को तो गिराता है और जो न्यू लीफ है उसे गिरने से रोकता है, लेकिन लीफ के एब्सिसिन को, बच्चों पत्तियों के गिरने को सबसे
कम करता है, सबसे कम करता है यहां पर कौन, जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, लीफ की फॉलिंग को प्रिवेंट करता है सबसे ज्यादा। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। 19 इन सी फोर प्लांट्स केल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन, सी फोर पादपों में केल्विन चक्र संचालित होता है। तो अपने को पता है कि सी फोर प्लांट जो हुआ करते हैं, उन सी फोर प्लांट के अंदर टू टाइप की सेल होती है, एक तो मेजोफिल सेल, एक बंडल शीट सेल। और बच्चों यहां पर जो केल्विन साइकिल है वो केल्विन साइकिल कहां चलता है, आप कह सकते हो बंडल शीट में चलता है, ठीक है। दूसरी बात, केल्विन साइकिल बच्चों किसका पार्ट है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है। और डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्टोमा के अंदर, तो क्या हो गया, स्टोमा ऑफ बंडल शीट। तो आप कह सकते हैं इसमें आंसर हो गया स्टोमा ऑफ बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट, आंसर फर्स्ट ऑप्शन। 20 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें आप कह सकते हैं 6CO2 + 12 H2O, क्या बनता है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो देखो बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर कितने H2O जो है वो यूज होते हैं, बच्चों यूज यहां पे होते हैं आप कह सकते हैं 12H2O, ठीक है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं 12H2O यहाँ पे है 6H2O बन जाते हैं, तो बच्चों कई बार ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ 6H2O लिख देते हैं और यहाँ से 6H2O रिमूव कर देते हैं, बच्चों वो नेट रिएक्शन हो गई। बाकी और आप ध्यान रखना कि 6CO2 को फिक्स करने के लिए 12H2O की नीड होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। 21 द ग्राफ रिप्रेजेंट एन, ये बच्चों अपने पास में मैंने एनसीईआरटी का जो ग्राफ है उसको स्कैन किया है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी के जो कंटेंट है वो ही अपने नीट एग्जाम में आते हैं। तो अपन कह सकते हैं बच्चों ये ग्राफ किस चीज का है, यहां पर तो है वेवलेंथ, यहां बच्चों क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप कह सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये बच्चों रेड एंड ब्लू के अंदर काफी ज्यादा हो रही है, और रेड एंड ब्लू के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट का मैक्सिमम होना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन NAD+ is produced during the alcoholic किण्वन में NAD का निर्माण कब होता है। तो alcoholic fermentation में NAD+ is produced by, तो अपन कह सकते हैं बिल्कुल सबसे पहले जो pyruvic acid होता है उस pyruvic acid से क्या बनता है, आप कह सकते हो acetaldehyde बनता है, और बाद में जो acetaldehyde है उससे formation किसका होता है, alcohol का होता है। याद करो यहाँ पे CO2 का molecule release होता है और यहाँ पर जो NADPH2 है, जो NADH2 है वो कंज्यूम होगा, तो फॉर्मेशन किसका होगा, NAD का प्लस H2 का। तो बताओ NAD का फॉर्मेशन कब हुआ, जब एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोहल का। तो आंसर क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एथेनॉल। बच्चों रिडक्शन क्यों लिखा, क्योंकि ये जो H2 है ना वो रिएक्शन किससे करता है, एसिटाल्डिहाइड से। तो देखो बच्चों हाइड्रोजन का रिएक्शन करना, इसे आप लोग क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होके कन्वर्ट किस में हो गया, C2H5OH में हो गया। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 23 द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS सेकंड टू NADP वाया ETS एंड PS फर्स्ट फॉलो। बच्चों PS सेकंड से PS फर्स्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब बात यहां पे चल रही है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन की, और जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है उसमें कैसे होता है, अपहिल डाउनहिल, अपहिल एंड डाउनहिल। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 द साइट ऑफ जेड स्कीम, बच्चों जेड स्कीम कहां होती है, जेड स्कीम जो है आप कह सकते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है, और लाइट रिएक्शन जो हुआ करती है वो लाइट रिएक्शन कहां होती है, आप कह सकते हो ग्रेना के अंदर होती है। ऑप्शन क्या है, स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट, नो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नो, ग्रेना थाइलेकोड ओनली, या स्ट्रोमा थाइलेकोड ओनली। तो बच्चों यहां पर जो पॉपुलर आंसर है वो आप कह सकते हो जो है ग्रेना थाइलेकोड। बच्चों स्ट्रोमा थाइलेकोड का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा थाइलेकोड की बात करें तो आप कह सकते हो स्ट्रोमा थाइलेकोड का मतलब होता है स्ट्रोमा लेबिली, क्या होता है, स्ट्रोमा लेबिली। और बच्चों स्ट्रोमा लेबिली जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइक्लिक होता है ओनली, नॉन साइक्लिक नहीं होता, जबकि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों कहां पे होते हैं, ग्रेना थाइलेकोड में होते हैं। तो आंसर यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 25 मैच द फॉलोइंग कॉलम, वही बात,
डार्विन एंड डार्विन अपने सामने है। तो बच्चों डार्विन का रिलेशन किससे है, ऑक्सीजन से है। मिलर एंड स्कूक जो है, इन्होंने बच्चों किसका एक्सपेरिमेंट किया था, साइटोकाइनिन हॉर्मोन का एक्सपेरिमेंट किया था। कुशीन अपने पास में जो वो बच्चों क्या है, अपन जानते हैं एक तरीके से कौन है, साइंटिस्ट वगैरह है। और जो कुशीन है उसने बच्चों किस बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप कह सकते हैं कुशीन ने बताओ किसका एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा अभी भी देख सकते हो कुरासोवा, याद करो जापानी साइंटिस्ट था, उसने किस में एक्सपेरिमेंट किया था, जिब्रेलिक एसिड में किया था। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया आपका, डार्विन, डार्विन ने किसका किया था, ऑक्सीजन का किया था। मिलर स्कूक ने किसका किया था, साइटोकाइनिन का किया था। और जो कुशीन है उसने किसका किया था, इथाइलिन का किया था। और जो कुरासोवा है उसने बच्चों किसका किया था, याद करो ई कुरासोवा, उसने किया था जिब्रेलिक एसिड का। तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 26. Which once is our redifferentiated cell, जो बनती है redifferentiation से। तो बच्चों याद करो जो अपने पास में कोर कैम्बियम होती है और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये होता है सेकेंडरी कैम्बियम, इनसे जो बनता है वो होता है redifferentiated। तो आप कह सकते हो बच्चों कोर्क जो है ये बनता है कोर कैम्बियम से, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी किससे बनता है, कोर कैम्बियम से। और जो कोर कैम्बियम से बनता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से बनता है, वो सेकेंडरी परमानेंट होते हैं। और बच्चों सेकेंडरी परमानेंट जो है वो किसके एग्जांपल होते हैं, री डिफरेंशिएटेड के एग्जांपल होते हैं। आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। 27. ड्यूरिंग टीसीए साइकिल एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू, टीसीए चक्र में एटीपी का निर्माण होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो टीसीए साइकिल है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, क्रेब साइकिल हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि जो टीसीए साइकिल है, जो अपने पास क्रेब साइकिल है, उस क्रेब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, जिसमें क्या होते हैं, थ्री सीओएच ग्रुप होते हैं। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह सकते हैं। यस, तो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नो, ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया। सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरिलेशन, यस। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, नो। बच्चों फोटो जो है वो किसके लिए आता है, आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए आता है। और ऑक्सीडेटिव किसके लिए आता है, रेस्पिरेशन के लिए आता है। तो देखो बच्चों यहाँ तो रेस्पिरेशन और फोटो को साथ साथ डाल रखा है, ये तो बच्चों वैसे ही पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, सबस्ट्रेट लेवल, बिल्कुल। याद करो बच्चों क्रेब साइकिल के अंदर एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, और वो एक जीटीपी कन्वर्ट किसमें होती है, एक एटीपी के अंदर बिना ETS के। और बिना ETS के अगर एनर्जी बन रही है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो बच्चों यहां पे आप कह सकते हो जीटीपी के फॉर्म में होता है। आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। 28. विच ऑफ द फॉलोइंग PGR इंड्यूस अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस इन एंडोस्पर्म। बच्चों अल्फा एमाइलेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो सीड का जर्मिनेशन कराता है, जो सीड का जर्मिनेशन कराता है। और सीड का जो जर्मिनेशन है ये बच्चों फंक्शन किसका होता है, जिब्रेलिक एसिड का है। तो आंसर यहां पे हो गया इथाइलिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट 29. सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर राइजोबियम। राइजोबियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इट इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। बच्चों राइजोबियम जो होता है वो आप कह सकते हैं लेग्यूम प्लांट के साथ, राइजोबियम लेग्यूम प्लांट के साथ क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो प्लांट के साथ करेगा ना, तो बच्चों सिंबायोटिक हो गया, नहीं कि फ्री लिविंग होता है। पहला ही गलत हो गया, ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोरोलेटिंग है, फर्स्ट नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। तो बच्चों कौन सा हो गया इसमें, फर्स्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि राइजोबियम क्या होता है, लेग्यूम प्लांट के साथ करता है। बच्चों ग्राम नेगेटिव है ही है, यहां स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नॉन स्पोरोलेटिंग हो गया। और नाइट्रोजनेज का बिल्कुल, ये क्या करता है, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर ही रहा है तो बच्चों नाइट्रोजनेस तो इसमें होता ही होता है। 30. बैक्टीरिया दोस ऑक्सीडाइज द नाइट्राइट टू नाइट्रेट। मतलब नाइट्राइट से बच्चों क्या बनना, नाइट्रेट बन रहा है, पहले होता है अमोनिया, उससे बनता है नाइट्राइट, फिर बच्चों क्या बनता है, उससे नाइट्रेट बनता है। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर नाइट्राइट से नाइट्रेट का जो बच्चों फॉर्मेशन है वो कौन करता है, आप कह सकते हो नाइट्रोबैक्टर करता है, नाइट्रोसिस्टिस करता है। ये बच्चों कौन से होते हैं, ये आपके सामने होते हैं कीमोटोट्रोपिक। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बच्चों क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एनर्जी जो है वो आप कह सकते हो अपने लिए यूज करते हैं। तो 130 में आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन।
131 ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड काउंटर एक्शन एंड एपिकल डोमिनेंस आर रेस्पेक्टिवली कॉज्ड बाय। बच्चों स्टोमेटा को ओपन करने के लिए काम में आता है साइटोकाइनिन और बंद करने के लिए काम आता है एब्सिसिक एसिड। तो यहां पे ओपनिंग है साइटोकाइनिन और एपिकल डोमिनेंस की काउंटर एक्शन करनी है। एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता तो कौन है ऑक्सिन और कम कौन करता है साइटोकाइनिन। तो देखो बच्चों यहां पे दोनों प्रोसेस कौन करेगी साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन करेंगे। आंसर कौन सा हो गया थर्ड ऑप्शन। तो देखो बच्चों जहां तक प्रयास है पेपर मैंने एनसीईआरटी के से थ्रू बनाया है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो। ठीक है आगे देखें एंजॉय करें इसको। बच्चों मैक्सिमम ग्रोथ किसमें होती है एक्सपोनेंशियल लैग डिक्लाइन और स्टेशनरी। जैसे अपने को पता है इस तरीके से बच्चों ग्राफ बनता है सिग्मोइड कर्व का। ये है लैग फेज ग्रोथ कैसे होती है स्लो होती है। ये लॉग फेज है ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। ये स्टेशनरी फेज है देखो बच्चों यहाँ पे ग्रोथ जो स्टॉप हो गई। तो बताओ मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होती है लॉग फेज में और लॉग फेज का नाम ही क्या होता है एक्सपोनेंशियल फेज होता है। Which is not found inside of mitochondria। बच्चों mitochondria में क्या नहीं होता याद रखना mitochondria में respiration होता है तो respiratory substances होंगे photosynthesis नहीं होगा तो photosynthetic substances नहीं होंगे। citric acid ये बनता है Krebs cycle में। PEP जो होता है phosphoenol pyruvate ये बच्चों glycolysis में बनता है जो कि cytoplasm में होता है न कि mitochondria में है। तो आंसर ये सही है। मैलिक एसिड भी कहाँ बनता है Krebs cycle में। अल्फा कीटो भाग बनता है क्रेब्स साइकिल में। तो देखो बच्चों तीनों यहां पर किसके हैं क्रेब्स के हैं। ये जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का है और बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म में होता है। आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। द ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ये बच्चों क्वेश्चन यहां पे है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के बारे में और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म जो है ये कहां होती है याद करो प्रकाशिक श्वसन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर होती है और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट किसमें होता है ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट का बनना ये बच्चों प्रोसेस कहां पे होती है पेरोक्सीसोम में होती है। आंसर इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। समझ लो आगे देखो नेक्स्ट 35 Which of the following growth regulator is used to increase the length of genetically dwarf plant? जो आनुवांशिक रूप से dwarf plant होते हैं बोने पौधे होते हैं उनको लंबा करना है। तो बच्चों plant को लंबा अगर आप करोगे तो जो internode part होता है उसको हम लोग क्या करते हैं elongate करते हैं इस तरीके से। देखो जो internode part है वो क्या हो गया लंबा हो गया और इसके लिए आप कौन सा हार्मोन काम में लेते हो gibberellic एसिड। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 36 स्टडी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच करेक्ट फॉर ऑल फोर प्लेसेस ए बी सी एंड डी। तो देखो बच्चों अपने पास में एनसीईआरटी का डायग्राम है यहां पर ए क्या है नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बन रही है ये बच्चों क्या हो गया डी नाइट्रिफिकेशन हो गया। प्लांट जो है यहां देखो डिकेइंग बायोमास से क्या बन रहा है अमोनिया अमोनिया का बनना क्या हो गया अमोनिफिकेशन हो गया। नाइट्रेट को कौन लेगा प्लांट और प्लांट को कौन खा जाएगा एनिमल। ठीक है तो यहाँ पे आपके ए तो क्या हो गया डिनाइट्रिफिकेशन ए तो यहाँ पे हो गया डिनाइट्रिफिकेशन तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या होगा अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन हो गया तो अमोनिफिकेशन यहाँ पर है यहाँ पे नहीं है यहाँ भी अमोनिफिकेशन नहीं है यहाँ अमोनिफिकेशन है। तो देखो बच्चों आप कह सकते हो आंसर फर्स्ट जा रहा है इसमें सी कौन है प्लांट का बायोमास और डी कौन है एनिमल का बायोमास तो आंसर कौन सा हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 37 द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद जल अणुओं का विघटन ए से संबंधित होता है और बी सी और डी उत्पन्न करता है। देखो बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है अपने को पता है कि जब जेड स्कीम हुआ करती है तो जेड स्कीम के अंदर जो पीएस सेकंड है बच्चों यहां से क्या निकलते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की जो रिकवरी है वो कहां से होती है 4H2O से होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए H2O से पीएस सेकंड में। तो पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसकी बच्चों रिकवरी कहाँ से होती है, वोटर से होती है। तो आप कह सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ वोटर मोलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद पीएस सेकंड। तो बच्चों ए यहां पर क्या आएगा, पीएस सेकंड आएगा। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, पीएस सेकंड, पीएस सेकंड। और क्या क्या निकालता है, O2, CO2, H2O, O2, H+ और E, बिल्कुल सही है। याद करो बच्चों रिएक्शन 4H2O का ब्रेकडाउन होगा, 2H2O बन जाते हैं, 4H+ बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, प्लस O2 गैस रिलीज होती है। और याद करो 8 क्वांटा यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो याद रखना वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। O2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। 38 की बात करते हैं, इन C4 पाथवे द CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम। बच्चों C4 प्लांट है और C4 प्लांट पे याद करो अपने पास में दो सेल होती है, एक तो कौन सी होती है मेसोफिल सेल, एक होती है बंडल शीट सेल। यहां पे जो CO2 का फिक्सेशन है वो करता है कौन सा एंजाइम, पेप्टेज करता है। और यहां बच्चों कौन करता है CO2 का फिक्सेशन, रुबिस्को करता है। तो ये बोल रहा है कि मेसोफिल में कौन करेगा, तो यहाँ कौन सा हो गया, पेप्टेज हो गया। तो क्या हो गया, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज या पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज हो गया, सॉरी पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया। क्योंकि बच्चों क्या करता है, ये CO2 के साथ जुड़ रहा है ना, तो CO2 के साथ जुड़ने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलेज। अगर मान लो बच्चों यहां से CO2 निकलती तब आप उसे क्या बोलते, डी कार्बोक्सिलेज बोलते। तो आंसर कौन सा हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, पेप कार्बोक्सिलेज, पेप केज हो गया। 39, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ पीएस फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ एनएडीपी, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एब्सेंस ऑफ पीएस सेकंड, प्रेजेंस ऑफ एनएडीपी प्लस रिडक्टेज एंड पीएस सेकंड। तो अपने को पता है कि क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है, साइक्लिक के बारे में पूछ रहा है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें आप कह सकते हो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ पीएस फर्स्ट होता है, क्योंकि बच्चों साइक्लिक में सिर्फ पीएस फर्स्ट जो है उसी का रोल होता है। एब्सेंस ऑफ एनएडीपी प्लस, एब्सेंस ऑफ एनएडीपी प्लस मतलब जो एनएडीपी प्लस है उसका एब्सेंस होना, यहाँ पे आप ठीक करना, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ग्राही हेतु एनएडीपी प्लस की उपस्थिति, यहाँ कर लो भाई अनुपस्थिति, यहाँ क्या होगा अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं सही है। 139 में नेक्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ पीएस सेकंड, तो पीएस सेकंड का एब्सेंट होना, बिल्कुल आप कह सकते हो यहां पीएस सेकंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ एनएडीपी प्लस, प्रेजेंस ऑफ एनएडीपी प्लस रिडक्टेज एंड पीएस सेकंड, रोंग हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नो, तो कौन सा हो गया, एफ भी यहां पर से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, आंसर कौन सा हो गया इसके अंदर, आंसर आपका इसमें हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 140, मैच द फॉलोइंग कॉलम, निम्न स्तंभों को सम्मिलित कीजिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट, हिल रिएजेंट, फोटो रेस्पिरेशन। तो आप कह सकते हो यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, O2 कहां से निकलती है, तो आप कह सकते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब फोटोलाइसिस होगा तभी क्या होता है O2 रिलीज होती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। याद करो जो थायलेकोइड की ल्यूमन होती है, उस थायलेकोइड की ल्यूमन के अंदर जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई होने से ये जो प्रोटॉन है कहाँ निकलते हैं, इस थायलेकोइड से बाहर निकलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हिल रिएजेंट में क्या होगा, आप कह सकते हो हिल रिएजेंट के अंदर जो एनएडीपी प्लस है उसकी बात करते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कब होगा, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, एनएडीपीएच बिल्कुल है, ऑक्सीजन भी है, एनएडीएच नहीं होता, एनएडीएच जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, रेस्पिरेशन के अंदर बनता है, न कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बनता है। तो यहां पे एनएडीपीएच आता तो सही होता, तो यहां से कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस
हैव टू कॉपर सेंटर। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है कि जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री, इनमें कॉपर सेंटर जो है वो होते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे एनएडीएच डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर फोर यहाँ पे हो गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर। इसका मतलब यहाँ पे ये साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री की बात कर रहा है। तो आंसर इसमें कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 के बाद 143, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अपटेक एंड यूजेबल फॉर प्लांट आर रेस्पेक्टिवली। बच्चों प्लांट जो है वो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, और सबसे ज्यादा फिर उस नाइट्रोजन को यूज करता है एज ए अमोनिया। तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 143 में, अगर आप कंडीशन देखें। आगे देखते हैं इसके बाद में 144, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल CO2 इज इवॉल्व्ड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सिट्रिक अम्ल के चक्र के निम्न में से कौन से पदों में CO2 मुक्त होती है, सही उत्तर का चुनाव करो। सिट्रिक एसिड जो उसमें होते हैं 6 कार्बन, अल्फा कीटो में क्या होते हैं 5 कार्बन, मतलब यहां CO2 निकलती है। सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों में कितने कितने कार्बन है, 4-4 कार्बन है, कोई CO2 नहीं निकलती है। मैलिक एसिड और ऑक्सलोएसिटिक एसिड यहाँ भी 4-4 कार्बन है, कोई CO2 नहीं निकलती है। अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड से बनता है सक्सिनिक कोएंजाइम ए, इस दौरान आप कह सकते हो 5 कार्बन से निकलते हैं 4 कार्बन, तो मतलब यहाँ पर एक कार्बन निकल गया CO2 के फॉर्म में, तो क्या हो गया फर्स्ट एंड फोर। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, ये अपने सामने कंडीशन है। आगे देखो 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है। टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ईटीएस O2, ईटीएस में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है, O2 होता है। एक्टिवेटर ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहोलिक डी हाइड्रोजनेस इन एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन, जिंक। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट, आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट कहां पर होता है, मैट्रिक्स में होता है, ये लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है आपसे। फर्मेंटेशन प्रेजेंट इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बिल्कुल आप कह सकते हैं यहां पे हो सकता है सब। तो बच्चों यहां पे रॉन्ग कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, क्योंकि जो डीकार्बोक्सिलेज वगैरह है उसमें आप कह सकते हैं ये एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां पे डीकार्बोक्सिलेज का मैग्नीशियम होता है, जिंक नहीं होता। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंकर एंजाइम बिटवीन क्रेब्स एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दोनों के बीच का जो लिंकर एंजाइम है वो कौन सा है, वो होता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेस। ये बच्चों ऐसा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी याद करो यूज होता है, जब आप कह सकते हो सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, फ्यूमरिक एसिड और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स में होता है ईटीएस के अंदर। 147, फोटोट्रोपिज्म इन कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास इज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड इन, तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो जो कनारी ग्रास होती है, इस कनारी ग्रास के अंदर जो फोटोट्रोपिज्म है उसका होना सबसे पहले किसने देखा था, तो आप इसमें बता सकते हो डार्विन, एंड डार्विन ने क्या कहा था कि जो कोलियोप्टाइल है वो उस तरफ मूव कर जाता है जिस तरफ से बच्चों क्या आती है, आप कह सकते हो सनलाइट आती है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। 148, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेलेसेंस, पोषकों के प्रवाह को बढ़ाता है जो पत्तियों में जीर्णता स्थगित करने में सहायक है। तो वही बात, लीफ के अंदर जो जीर्णता है, लीफ के अंदर जो जीर्णता है उसको कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर 148 में अगर अपन कंडीशन देखें तो यहाँ बताओगे आप नंबर 3 साइटोकाइनिन, याद करो बच्चों साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन जो है वो एजिंग को कम करता है, ये बुढ़ापे को रोकता है, इसको बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्या करता है ये, लीफ में काफी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लीफ तक बच्चों न्यूट्रिशन जो है उसको बढ़ाता है, जिसके न्यूट्रिशंस की प्रेजेंस में लीफ में एजिंग नहीं होती, पत्ती धीरे धीरे बूढ़ी होती है, इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रिचमंड लैंग इफेक्ट। 149, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड एक्टिविटी ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक्सप्रेस, बच्चों इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना ये तो होता है डी डिफ्रेंसिएशन, याद करो जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, जो मेडुलरी रेज होती है
उसमें क्या होता है डी डिफरेंशिएशन और फॉर्मेशन किसका होगा, इसका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। फिर ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या बनाता है, अंदर सेकेंडरी जाइलम बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, इसे आप लोग क्या कहते हो री डिफरेंशिएशन। तो आंसर कौन सा हो गया, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, आंसर यहां पे आपका हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, कौन सा थर्ड ऑप्शन हो गया। 50, ओनली वन ग्रुप ऑफ इवेंट्स नेवर बी अंडर कंट्रोल पीजीआर, मतलब जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उनसे किसका रिलेशन नहीं है, तो वर्नलाइजेशन इसमें तो है, प्लांट मूवमेंट में भी है, समझ रहे हो बात को, दोनों में है इसका, आप कह सकते हो जिब्रेलिक एसिड से है, इसमें ऑक्सिन काम आता है, फ्लोरिंग में फ्लोरिजन हार्मोन काम आता है, यहाँ जो वर्नलाइजेशन है इसमें जिब्रेलिक एसिड काम आता है, डोरमेंसी में एब्सेंसिक एसिड काम आता है, सीड जर्मिनेशन के अंदर जिब्रेलिक एसिड काम आता है, बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है इस फोटोसिंथेसिस में और ऑस्मोसिस में हार्मोन का कोई रोल नहीं है, याद रखना फोटोसिंथेसिस में नो रोल ऑफ पीजीआर। हाँ वो आप जरूर कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए होता है उस क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन की नीड होती है, लेकिन बच्चों वो पिगमेंटेशन के लिए है न कि फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, फोर्थ ऑप्शन। 51, इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है, आप कह सकते हो ऑक्सिन होता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे क्या है मैचिंग है। इथाइलिन बच्चों क्या होता है, C2H4 है। काइनेटिन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, नहीं काइनेटिन जो आप यहाँ पे कह सकते हो ये बेसिकली अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन बेस से होता है न कि कैरोटीनॉइड से होता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये फरफ्यूरिन एमिनोप्यूरिन, नो ये यहाँ पे नहीं है, ये आप कह सकते हो साइटोकाइनिन के रिगार्डिंग सही है। तो आंसर यहाँ पे हो गया 1 और 4, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, अच्छा कौन सा ओड है, ओड मतलब कौन सा इसमें गलत है, तो सेकंड और थर्ड जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है, आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड ऑप्शन हो गया, समझ गए बात को। तो बच्चों आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड ऑप्शन हो गया, समझे। आगे देखो नेक्स्ट 52, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोइल बाय रूट, बच्चों मिनरल का मेनली एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है, पैसिव फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसमें लिखा है कि मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोइल बाय रूट, तो यहाँ पे दोनों आंसर आएगा मोर एक्टिव और लेस पैसिव, यहाँ लिखा है ओनली एक्टिव एब्जॉर्प्शन, नो भाई, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, एनसीईआरटी की बच्चों लाइन भी है। सेलेक्ट द मैच्ड वन, नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट से नाइट्रेट, बच्चों नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया से नाइट्रेट बनाता है, तो रॉन्ग हो गया। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन बिल्कुल सही है, नोस्टोक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बिल्कुल सही है, एजोटोबैक्टर एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, नहीं बच्चों एनएरोबिक नहीं है एरोबिक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया सेकंड एंड थर्ड, बच्चों 153 में आंसर कौन सा हो गया आपके सामने, आप कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट 54, करेक्ट द मैच द कॉलम, देखते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें क्या काम आता है, मैंगनीज, डाई एजोट्रोपी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके लिए क्या काम आता है, मोलिब्डेनम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, बच्चों इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है आप कह सकते हैं कॉपर होता है, ऑक्सिन के हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जिंक चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो इसकी मैचिंग अपन यहाँ पे करें तो ए में क्या आ गया 3, ए में 3, बी में बच्चों यहाँ पे आ गया मोलिब्डेनम 4 एंड सी में क्या आ गया 2, आंसर कौन सा हो गया सेकेंड ऑप्शन हो गया। 55, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, बच्चों रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में सही सीक्वेंस की बात अपन यहां करेंगे, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, पेनेट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्टेड थ्रेड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सुटेबल होस्ट एंड बैक्टीरिया, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, बच्चों सबसे पहले आप कह सकते हो होस्ट और जो बैक्टीरिया है उनके बीच में आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूम प्लांट के पास जाएगा, तो पहले बच्चों इनमें क्या होता है आप कह सकते हो रिकॉग्नाइजेशन होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सी सबसे पहले आएगा। फिर बच्चों उसके बाद में क्या होगा, आप कह सकते हो रूट हेयर कर्ल होती है, ठीक है, उसके बाद में पेनेट्रेशन, जो रूट कर्ल होती है तो बच्चों उसका कुछ पार्ट डैमेज होता है, उसके थ्रू क्या होता है पेनेट्रेशन होता है राइजोबियम का, और लास्ट में फॉर्मेशन किसका नोड्यूल का, तो क्या आ गया सी ए बी डी, सी ए बी डी आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। 56, विच पेयर इज रॉन्ग, कौन सा कथन जो है वो गलत है, मोलिब्डेनम जो है वो यहाँ पर है कॉपर है, कैल्शियम है, जिंक है, तो मोलिब्डेनम जो है आप कह सकते हो नाइट्रोजनेस में काम आता है, कॉपर जो है वो साइटोक्रोम ए A3 में होता है, कैल्शियम मिडिल लेमिला में आता है, जिंक बच्चों हेक्सोकाइनेस में नहीं आता, तो ये हेक्सोकाइनेस में क्या आता है
मैग्नीशियम आता है। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। हेक्सोकाइनेज जो है ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट एंजाइम था, जिसका बच्चों एक्टिवेटर कौन है, मैग्नीशियम है। 57 आरक्यू वैल्यू ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एनरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, याद करो जो CO2 है उसके दो मॉलिक्यूल निकलते हैं और O2 काम में कितनी आती है, जीरो। बच्चों एनरोबिक रेस्पिरेशन है तो एनरोबिक के अंदर तो O2 काम में आती नहीं आती। आरक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रिलीज्ड CO2 अपॉन O2। CO2 कितनी निकलती है, दो। O2 काम में कितनी आती है, जीरो। तो आप यहां पे कह सकते हैं आंसर कौन सा हो गया, इन्फिनेट हो गया। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन एसेंशियली ऑफ एन एलिमेंट। तो निम्न में से कौन सी अनिवार्यता निर्धारण की मापदंड नहीं है, बच्चों कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। नेसेसिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट, इनडायरेक्टली, नो। बच्चों एसेंशियल एलिमेंट वो होता है जो मेटाबोलिक रिएक्शन में सीधा कंज्यूम होता है डायरेक्टली। आंसर यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। 59 द नॉन मिनरल एलिमेंट्स आर, मिनरल्स कौन से होते हैं जिनको आप सोइल से लेते हो, नॉन मिनरल कौन से हैं जिन्हें या तो वाटर के फॉर्म में लेते हो या सीधे एयर के फॉर्म में लेते हो। तो देखो बच्चों कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये नॉन मिनरल हुआ करते हैं। कार्बन किस फॉर्म में आता है, एयर से CO2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में आती है, ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में भी आता है CO2 के फॉर्म में भी आता है। तो देखो बच्चों सोइल से एलिमेंट के फॉर्म से नहीं आ रहे, वाटर के फॉर्म में आ रहे या फिर एयर के फॉर्म में आ रहे, तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 60 रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोइल सर्व एज ए रिजर्वर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, मृदा अनिवार्य तत्व के रूप में, भंडारण के रूप में होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो एसेंशियल एलिमेंट हुआ करती है उसका रिजर्व कैसे मानते हैं हम लोग, सोइल को मानते हैं। सोइल डेवलप्स ओवर द ईयर्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल विदरिंग ऑफ रॉक्स। बिल्कुल दोनों बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट किया है सही है कि जो मिट्टी का निर्माण है, जो बच्चों अपने सामने सोइल का फॉर्मेशन है, ये सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिजिकल और केमिकल विदरिंग से होता है। तो रॉक्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और जब रॉक्स से सोइल बनती है तो एलिमेंट कहाँ आते हैं, सोइल में आ जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड, बोथ आर करेक्ट। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम एंड फ्रेंकिया। बिल्कुल सही है, लेग्यूम में करता है, ये नॉन लेग्यूम में करता है। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया फ्रेंकिया ओलोसिरा। बच्चों फ्रेंकिया साइनोबैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। फ्री लिविंग कौन है, बिजेंडिया एजोटोबैक्टर। आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, फ्रेंकिया साइनोबैक्टीरिया नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया होता है, लेकिन जो ओलोसिरा है वो ओलोसिरा यहां पर क्या है, आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया है। 62 पांच कार्बन एसिड कंपाउंड इन टीसीए साइकिल कौन है, बच्चों याद करो अल्फा कीटो में 5 कार्बन है, सिट्रिक एसिड में 6, सक्सिनिक कोएंजाइम में कितने होते हैं, आप कह सकते हो यहां पर भी 4 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। तो बच्चों पांच कार्बन किस में होते हैं, अल्फा कीटो में होते हैं। 63 फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, देखो बच्चों यहां पर क्या है, एक एमिनो डोनर है, एक एमिनो एक्सेप्टर है। तो एमिनो एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कह सकते हो अपने पास में क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है, इस अमोनिया को अपटेक कर लेता है। तो देखो बच्चों अमोनिया को अपटेक कर रहा है, तो इस ऑर्गेनिक एसिड से क्या बन गया, इस ऑर्गेनिक एसिड से फॉर्मेशन बच्चों यहां पर किसका हो गया, एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड का बनना क्या होता है, एमिनेशन होता है। देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन भी हो गया, तो क्या हो गया, रिडक्टिव एमिनेशन हो गया। आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। Which of the following statements is incorrect about lag hemoglobin? Lag hemoglobin के बारे में कौन सा statement गलत है? It acts as O2 scavenger. बिल्कुल सही है। ये बच्चों क्या है? O2 का scavenger है lag hemoglobin. ये pink color का, red color का होता है। बिल्कुल सही है। Combine with O2 and protect nitrogenase. Nitrogenase एक ऐसा enzyme होता है जो O2 की absence में काम करता है। तो बच्चों lag hemoglobin जो है, आप कह सकते हो ये O2 के साथ में bind हो जाता है और फ्री O2 जो है उसको जीरो कर देता है और नाइट्रोजनेस फंक्शनल हो जाता है। इट इज ए एमओएफई प्रोटीन। नो बच्चों एमओएफई प्रोटीन तो कौन होता है, नाइट्रोजनेस होता है, न कि लेग हीमोग्लोबिन है। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। 65 द गिवन इक्वेशन रेफर टू, दी गई इक्वेशन किसके लिए है। देखो बच्चों यहां पर नाइट्रोजन है, उससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अमोनिया का। तो एनवायरमेंट के नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, इट इज कॉल्ड
नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों कुछ बच्चों ने यहाँ पे अमोनिफिकेशन किया होगा जो गलत है। अमोनिफिकेशन में तो क्या होगा, डीकम्पोजिशन के बाद में, डिकेइंग के बाद में, अपघटन के बाद में अमोनिया बनती है, वो अमोनिफिकेशन है। अगर एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उससे अमोनिया बनती है उसे आप क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहते हैं। आंसर फोर्थ ऑप्शन 66। ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट एटीपी आर कंज्यूम्ड, दोस एटीपी आर कम फ्रॉम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान लेग्यूम पादप में एटीपी का उपयोग होता है। बच्चों नाइट्रोजन के फिक्सेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूम प्लांट के साथ में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो एनर्जी कहां से आती है, होस्ट सेल से आती है, रूट सेल से आती है। रूट बच्चों क्या करती है, रेस्पिरेशन, और रूट के रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है वो काम में किस में आती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो यहां पे होगा रूट सेल थ्रू रेस्पिरेशन। बच्चों रूट में कहां होता है फोटोसिंथेसिस, आंसर कौन सा होगा, रेस्पिरेशन होगा। 67। विच पिगमेंट्स आर डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बच्चों लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना ये काम मेनली डायरेक्टली किसके हाथ में होता है, क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल बी और जो कैरोटीनॉइड है जो जेंथोफिल है, बच्चों ये भी लाइट एनर्जी को सीधे कहां देते हैं, क्लोरोफिल ए को। तो अल्टीमेटली लाइट किसके पास में आ रही है, क्लोरोफिल ए के पास ही आ रही है। तो क्लोरोफिल ए इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टेशन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। 68। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, इसके संदर्भ में सही कथन का चुनाव करो। देखो बच्चों यहां पर ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। द कर्व शोविंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट By a photosynthetic pigment is called absorption spectrum. बिल्कुल, देखो बच्चों जिस लाइट पर absorption हो रहा है उसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब absorption spectrum की बात कर रहे हैं। Chlorophyll A and chlorophyll B absorb maximum light in blue and red wavelength. बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा absorption बच्चों किसका होता है, Chlorophyll A और chlorophyll B करते हैं light किसका, blue का and red का। Rate of photosynthesis is maximum इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। बिल्कुल सही है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो मैक्सिमम किस में होती है, रेड में एंड ब्लू में। याद करो एक्शन स्पेक्ट्रम रेड एंड ब्लू, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू एंड रेड। तो आंसर बच्चों यहां पे क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। फोटोकेमिकल फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बच्चों फोटोकेमिकल फेस का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपसे लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन भी होगा, वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, ऑक्सीजन जो है बच्चों उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, एटीपी एनएडीपीएच2 का प्रोडक्शन। तो आप कह सकते हो सारे सही है एक्सेप्ट 3, आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। 170। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज फाउंड इन, जल का प्रकाशिक अपघटन कहां होता है। तो बच्चों जल का जो प्रकाशिक अपघटन है वो कहां पर होता है, थाइलेकोइड की ल्यूमन वाले पार्ट में होगा। तो या तो कह दो ल्यूमन में होता है, या बच्चों थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ हुआ करता है। तो आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड, नो, इनर सरफेस इफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इन द मैट्रिक्स। तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड सरफेस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 171, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इन हायर प्लांट्स। उच्च पादपों की थाइलेकोइड में चक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के संदर्भ में सही नहीं है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन जो है वो लो लाइट इंटेंसिटी पर होता है, लाइट की लो अवेलेबिलिटी पर होता है। ओनली पीएस फर्स्ट इज इन्वॉल्वड, रिलेटेड ओनली एटीपी सिंथेसिस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर इज रिक्वायर्ड। देखो बच्चों साइक्लिक लाइट रिएक्शन तब होता है जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो 681 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। मतलब बच्चों उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो गई, हाई हो गई। बच्चों वेवलेंथ हाई हो गई इसका मतलब लाइट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि लो लाइट की अवेलेबिलिटी है एंड पीएस फर्स्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे नहीं होता क्योंकि वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो किस में होती है, नॉन साइक्लिक में होती है, साइक्लिक में नहीं होती। तो आंसर हो गया इसके अंदर कौन सा, फोर्थ। 172, ग्लूकोज सिंथेसिस इज रिलेटेड विद विच स्टेप ऑफ C3 साइकिल। बच्चों C3 साइकिल में याद करो कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेशन, रिजनरेशन और रिडक्शन। बच्चों ऑक्सीजनेशन तो इसमें होता ही नहीं है,
शीत साइकिल में कार्बोक्सीलेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं होता है। और जो कार्बोक्सीलेशन है इसमें 3PGA का फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन में किसका फॉर्मेशन होगा, REBP का फॉर्मेशन होगा, और रिडक्शन जो है उसमें आप कह सकते हो फूड का फॉर्मेशन होगा। तो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 173, द एंजाइम रुबिस्को। देखो बच्चों, रुबिस्को एंजाइम किससे रिएक्शन करेगा, रुबिस्को एंजाइम CO2 एंड O2 दोनों से रिएक्शन करेगा, जो ज्यादा होगा उससे रिएक्शन करेगा, बट अगर दोनों इक्वल हो तब रिएक्शन CO2 से करेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो अफेक्शन है, इसका लगाव, इसका प्रेम, इसका प्यार जो है वो ज्यादा किससे है, CO2 से है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। 174 एक बेहतरीन क्वेश्चन अपने सामने है। ए टिपिकल लाइट रेस्पॉन्स कर्व ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शोन, द लिमिटिंग फैक्टर इज फॉर फोटोसिंथेसिस एट M एंड N इज R। देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे मैंने फ्रेम किया है भी, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो और फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ रही है, इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। क्योंकि ब्लैकमैन ने कहा था कि लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाने पर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। इसका मतलब देखो बच्चों, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो यहाँ लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, लाइट की इंटेंसिटी। फिर देखो बच्चों, आप लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हो लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कोई और है। और मतलब जैसे CO2 मान लेते हैं, तो बताओ बच्चों M तो कौन है, CO2, और N यहाँ पर कौन है, लाइट की इंटेंसिटी है, टेम्परेचर यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, M एंड N, CO2 एंड लाइट इंटेंसिटी, आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो 175, हाइड्रोपोनिक्स इज टेक्निक used successfully in commercialization product of, तो टमाटर, लेट्यूस, समुद्री सलाद, सीडलेस कुकुम्बर, इन सब का फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं हाइड्रोपोनिक्स से, NCERT की लाइन है। इन रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर यूटिलाइज। बच्चो टोटल C3 साइकिल में तो 2 NADPH2 और 3 ATP का कंजप्शन होगा, लेकिन सिर्फ रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या होगा, 2 NADH2 और 2 ATP का यूटिलाइजेशन होगा। तो आंसर हो गया 2+2। आंसर बच्चों कौन सा, 176 के अंदर, R776 में हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखो 77, द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम अमोनिया थ्रू नाइट्रोसोमोनास। बच्चों अमोनिया से नाइट्रेट का बनना आप कह सकते हो क्या है, नाइट्रिफिकेशन होता है, आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों वाटर के फोटोलाइसिस के लिए रोल मेनली किसका होता है, मैग्नीज का, क्लोरीन का और मैग्नीशियम का होता है, ज्यादा रोल किसका होता है, मैग्नीज और क्लोरीन का। तो देखो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या है, मैग्नीज। तो 178 में बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया 178 के अंदर। आगे देखो, ए वाटर फंड विच इज ऑफन इनोकुलेटेड टू राइस फील्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक जलीय फर्न जो धान के खेत में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए डालते हैं, ये बच्चों कौन सा है, रूट ऑफ पाइनस, एंथोसिरोस, साइगेट रूट, एजोलापिनाटा। एजोलापिनाटा इसकी जो बच्चों लीफ हुआ करती है, इसमें होता है एनाबिना एजोली, इसके लीफ में क्या है, एनाबिना एजोली। ये बच्चों क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि एजोला पिनाटा जो है उसके लीफ में एनाबिना एजोली होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। हम बच्चों चावल के खेत जो पानी में होते हैं, हम चावल के खेत में जो एनाबिना एजोली है उसको ग्रो कर देते हैं, ताकि वहां पर एनाबिना एजोली के अंदर जो एनाबिना एजोली जो है, जो कि एजोला पिनाटा की लीफ में है, वो बच्चों वहां पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। 180, On the basis of symptoms of chlorosis in leaves, a student concluded that this was due to the deficiency of nitrogen. This conclusion could be corrected only if yellowing of leaves appeared first in. बच्चों नाइट्रोजन जो है वो मोबाइल एलिमेंट होता है, और मोबाइल एलिमेंट कौन सा होता है, जो प्लांट के ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट में चला जाता है। तो बच्चों न्यू पार्ट को तो नाइट्रोजन मिल गया, कमी किस में आ गई, ओल्ड पार्ट में। तो नाइट्रोजन की कमी के करेक्टर सबसे पहले कहां पे आएंगे, ओल्ड लीव्स में आएंगे, आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। 181,
मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बच्चों कौन से हैं? सी एच ओ एन, ये है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ए लिविंग सेल। किसी भी जीवित कोशिका में सबसे ज्यादा ये बच्चों एलिमेंट पाए जाते हैं। आंसर यहां पे हो गया सी एच ओ एन, फर्स्ट ऑप्शन 182। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व्ड इन टू स्टेप कन्वर्जेशन अमोनिया टू नाइट्राइट? बच्चों अमोनिया से क्या बनता है? पहले बनता है नाइट्राइट, फिर बच्चों क्या बनता है? नाइट्रेट। यहां काम आता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। तो यहां लिखा है एजोटोबैक्टर, नो, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, बिल्कुल सही है, एजोटोबैक्टर नहीं है, सुडोमोनास नहीं है। तो बच्चों आंसर यहां पे कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 183। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हेल्पफुल टू मेंटेन एन एनायन कैटायन बैलेंस? बच्चों एनायन कैटायन बैलेंस जो है वो बनाता है मेनली कौन? पोटेशियम बनाता है, इसके अलावा सोडियम भी करता है, क्लोरीन भी करता है। 184। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, बिल्कुल सही है, रिलीज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, इट इज द सोर्स ऑफ एटीपी ऑफ सेल, नो, ये तो बच्चों रेस्पिरेशन होता है। तुम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जो है आप कह सकते हैं O2 भी निकलती है, तो फूड एंड O2 दोनों यहां प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। 85। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीन हेल्पफुल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से जीन जो है वो हेल्पफुल होते हैं? बच्चों विर जीन यहां पर नहीं होता, हप जीन है, निफ जीन है, नोड जीन है, जंपिंग जीन नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो गया? इसमें आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। 185 में आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। 186। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर? बच्चों फोटोसिंथेसिस की लाइट की भी जरूरत है, CO2 की भी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब H2O की भी नीड है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑल हो गया। 87। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज गिवन बाई? बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आप यहां कह सकते हैं एंजलमैन। एंजलमैन ने याद है बच्चों क्या किया था? एंजलमैन जो उसने क्या किया था, अपन कह सकते हैं कि जो सनलाइट है उसको डिवाइड कर दिया था 7 कलर के अंदर, और जो 7 कलर की लाइट है उन सबको गिरा दिया था क्रेडोफोर एल्गी के ऊपर। फिर उस एल्गी में वो पार्ट जहां पे रेड एंड ब्लू लाइट गिर रही थी वहां पे सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया आ गए थे, क्योंकि बच्चों रेड एंड ब्लू लाइट के अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। 88। डाई एजोट्रोप्स आर? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जो होते हैं उन्हें बच्चों बोलते हैं डाई एजोट्रोप्स। वो कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन बच्चों यहां पे हो गया। 188 का जो बच्चों करेक्ट आंसर वो कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट। टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट वी कैन यूज? बच्चों किसी ग्रीन प्लांट में कौन से पिगमेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए जो मेथड है उसे क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में है, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। 190। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चों क्या होता है? रेड एंड ब्लू होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बच्चों मैक्सिमम किस में होती है? रेड में। उसके बाद में किस में होती है? ब्लू में होती है। इसके बाद 191। इन पीएस फर्स्ट P700 डिनोट फॉर? बच्चों P700 जो है वो रिएक्शन सेंटर होता है, और रिएक्शन सेंटर किससे बनता है? क्लोरोफिल ए से बनता है। हाउ डस पीएस सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली? बच्चों वही बात, पीएस सेकेंड जो होता है उस पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई होती है वो कहां से आती है? H2O से आती है। सबसे पहले पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और पीएस सेकेंड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की रिकवरी कहां से करता है? आप कह सकते हैं H2O से करता है। तो यहां पे है ATP act as H2O act as इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बच्चों आंसर कौन सा हो गया? 192 में करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। समझ गए? आगे देखो। नेक्स्ट, वेयर आर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्मड इन फोटोसिंथेसिस? ल्यूमन के अंदर होगा बच्चों, याद करो पढ़ा था अपन ने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। ल्यूमन के अंदर ही क्या होता है? 4H2O का ब्रेकडाउन होता है जिससे 2H2O बनते हैं, 4 प्रोटॉन बनते हैं, और 4 बच्चों यहां पर क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 194। विच वन विल बी ऑपरेट व्हेन ओनली लाइट ऑफ
वेवलेंथ्स बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल। बच्चों 680 नैनोमीटर से ऊपर अगर मान लो लाइट है उस कंडीशन में क्या होता है, हम कह सकते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, हाउ मेनी एटीपी इज कंज्यूम्ड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ C3 प्लांट व्हेन 6 CO2 इज अवेलेबल। बच्चों अगर एक बार C3 साइकिल होता है तो आप कह सकते हो 3 ATP एंड 2 NADPH2 कंज्यूम होते हैं। अगर 6 CO2 है तो 6 बार C3 साइकिल होगा तो 18 तो ATP एंड 12 NADPH2 आर कंज्यूम्ड। तो आंसर क्या हो गया इसमें, 18 ATP बच्चों यहां पे क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो 195 में आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। केल्विन साइकिल अकर्स इन, केल्विन चक्र कहाँ पाया जाता है, C3 प्लांट, C4, CM, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। बिल्कुल बच्चों केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल साइकिल। दुनिया में हर वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें C3 साइकिल तो होगा ही होगा, उसमें केल्विन साइकिल जो है वो तो होगा ही होगा। 97, इन केल्विन साइकिल विच वन इज फॉर्म्ड अगेन। बच्चों केल्विन साइकिल में ऐसा क्या है जो वापस बन जाता है, मतलब रीजनरेशन किसका होता है, तो बच्चों रीजनरेशन किसका होता है, राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट का होता है, जिसमें 1 ATP खर्च होती है और वापस इसका फॉर्मेशन होता है। 198, व्हेन क्लोरेला गेव लाइट शॉर्टर एंड ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर देन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड। ये बच्चों अपने पास में क्या है, इमर्सन इफेक्ट होता है। अगर किसी प्लांट को आप एक साथ दो लाइट देते हो, 680 से ऊपर वाली और 680 से नीचे वाली, तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों के साथ फंक्शन करने से फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट 199, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इन फ्री लिविंग कंडीशन राइजोबियम बिकम एरोबिक, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बिकम एनारोबिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर अगर ऑक्सीजन आ जाए तो नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाता, तो एट द टाइम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑफ एनारोबिक टाइप, इन बोथ स्टेज इट इज एरोबिक टाइप। नो बच्चों, तो आप यहाँ पे कह सकते हो आंसर कौन सा हो गया, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए बी एंड क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बिकम एरोबिक। नो बच्चों, खाली यहां पर ए और बी सही है। तो 199 का जो आंसर है वो बच्चों कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट, फाइंड आउट द करेक्ट मैच, सही सुमेलित को छाटिए नाइट्राइट से नाइट्रेट नाइट्रोसोमोनास। नो, ये बच्चों अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है। सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सेशन लेग्यूम फ्रेंकिया। नो, ये बच्चों यहाँ पे राइजोबियम होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर राइजोबियम। नो, ये लेग्यूम के साथ में होता है। डी नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, थायोबेसिलस। तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अपन ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन की बात की है और उम्मीद है पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, आपने अच्छा तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।